कृष्णा, मॉर्निंग जपान सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1973 लॉस एंजल्स। भगवद गीता सेज दैट यू कैन डायरेक्टली ट्रांसमाइग्रेट टू एनी स्पीसीज ऑफ लाइफ यू लाइक अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। समटाइम्स आई ट्रेवल टू अमेरिका, sometimes to Australia and sometimes to Africa. The countries already exist. I am simply traveling through them. It is not that because I have come to America, I have created or become America. And there are many countries I have not yet seen. Does that mean they do not exist? The scientists who support Darwin are nonsensical. Bhagavad Gita clearly says that all the species exist simultaneously and that you can go to whichever species you like. You can even go up to the kingdom of God if you so desire. All this is declared in Bhagavad Gita by Lord Krishna. Iska Hindi mein anuvad hai. Bhagavad Gita ke anusar आप जिस भी योनि में चाहें जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूं, कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका। ये देश पहले से ही हैं। मैं केवल वहां की यात्रा करता हूं। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं अमेरिका आया हूं मैंने अमेरिका का निर्माण किया है या मैं अमेरिका बन गया। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी में भी चाहे उसमें जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। तो इस मैसेज में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बता रहे हैं, दो विशेषकर। एक तो अनेकों योनियां हैं, 84 लाख योनियां हमारे शास्त्र में बताई गई हैं, वो सब की सब एक साथ प्रकट हुई थी और रहती हैं। दूसरा, अनेकों प्लैनेट्स हैं, ब्रह्मांड हैं, ये नहीं केवल पृथ्वी ही सब कुछ है। भगवद गीता में भी बताया गया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सत्गुण में काम करते हैं वो ऊपर के लोकों को जा सकते हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक, भोर लोक, ब्रह्म लोक, जन लोक, तप लोक, मेहर लोक, जो भी ऊंचे ऊंचे वहां जा सकते। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो राजस गुण में काम करते हैं वो मध्य में अर्थात इस भूमि इसके जैसे और प्लेनेट पे ही रहते हैं और नए नए काम करते रहते हैं। अधोगच्छन्ति जगन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा, लेकिन जो तामसिक व्यक्ति हैं, तमोगुण में काम करते हैं, वो नीचे जा सकते हैं। इनसे पता लगता है कि ऊपर के लोक भी हैं, मध्य के लोक भी हैं और नीचे के लोक भी हैं। कृपा जी डार्विन की थ्योरी को बताते हैं कि नॉनसेंसिकल है और ये वास्तव में है, कॉमन सेंस एक्सेप्ट नहीं करती। डार्विन कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, उससे सृष्टि प्रकट हो गई। अब धमाके से तो डिस्ट्रक्शन होती है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं आती। एक बंदर को एक टाइपराइटर पे बिठा दो, कैन वी एक्सपेक्ट कि वो एक बहुत अच्छा नावल लिख लेगा? नो।
तो ये तो है प्लैनेट्स की बात। दूसरी योनियों की बात, वो कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन से मनुष्य, पहले कीड़ा था, मकोड़े बने, ये बना, वो बना, बंदर बना, फिर मनुष्य बना। तो ये प्रोसेस आजकल दिखाई नहीं देता, अगर होता तो ऐसे अब भी होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेस्टर्नर्स जो कहते हैं कि हम बंदर की, हमारे पूर्वज बंदर थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके पूर्वज बंदर हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि मुनि थे। मतलब सारी जो योनियां हैं वो एक साथ प्रकट हुई हैं, हमारी इच्छाओं और हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन आप ब्रह्मा पुनर्लोक पुनरावर्तन अर्जुन माम उपेत्ते तो कौन थे पुनर्जन्म भी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ब्रह्म लोक से लेकर निम्न लोक तक आप ब्रह्मा पुनर्लोक, ये सारे जितने भी लोक हैं ये सब क्रिएट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परमानेंट इनमें कोई भी नहीं है। माम उपेत्ते तो कौन थे पुनर्जन्म ना विद्या। लेकिन जो मेरा एक धाम है वहां जाकर फिर व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, इस भौतिक जगत में फिर नहीं आता। कई बार बताते हैं कि इस भौतिक जगत में अनेकों कष्ट है, इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस भौतिक जगत से हम बाहर जाए। अनेकों कथाएं हमें मिलती हैं जिनसे पता लगता है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। नलकूबर, वो नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। कुबेर देवताओं के खजांची हैं, ट्रेजरर हैं, बहुत धनवान हैं, पूरा ऐश्वर्य इनको उत्तराधिकार में मिला था, अच्छी अच्छा जन्म इनका, अच्छा ऐश्वर्य इनका, अच्छा ज्ञान इनका, अच्छी शक्ल इनकी। जैसे महारानी कुंती कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिवी एद मान मध्य पुमान नहीं तो हम किंचन ऊचरा। हे कृष्ण, जिस व्यक्ति का जन्म अच्छे कुल में हुआ, जन्म जिसके पास ऐश्वर्य है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत जो पढ़ा लिखा है, श्री जो सुंदर है, ऐसे व्यक्ति प्राय आपकी भक्ति में नहीं लगते, आपको सरेंडर नहीं करते, क्योंकि आप तो अकिंचन गोचरम है, आप अकिंचनों को प्राप्त करते। तो ये जो स्थिति थी इनकी, नलकूबर और मणिग्रीव की, ये बहुत अहंकारी थे इन सब वस्तुओं के होने से। जैसे उपमा दी जाती है, बहुत अहंकारी थे, बहुत ज्यादा अहंकारी थे। मरकटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंशनम तथापि भूत माया ततो किम न करिष्यति। एक बंदर है, स्वभाव से ही चंचल है, मरकटम सुरापानम, और उसको शराब पिला दी जाए, उसकी चंचलता अनेकों गुना बढ़ जाएगी। तथा वृश्चिक दंशनम, और फिर उसको एक बिच्छू काट जाए, फिर उसकी क्या स्थिति होगी। और उसके ऊपर फिर उसे तथापि भूत माया, उसे भूत चिपट जाए, ततो किम न करिष्यति, वो क्या ना करेगा। ये स्थिति इन नलकूबर और मणिग्रीव की थी। तो ये स्वच्छंद विहार करते थे मंदाकिनी में, अप्सराओं के साथ नग्न निर्वस्त्र विहार कर रहे थे। नारद ऋषि आए, नारद ऋषि को देखकर उन अप्सराओं ने अपने शरीर ढक लिए, लेकिन इन्होंने कोई परवाह नहीं की, इन्होंने उनका कोई नोटिस नहीं लिया, इतने उद्दंड थे। तो नारद मुनि को बुरा लगा, उन्होंने शाप दिया कि तुम नग्न रहना पसंद करते हो, तुम जाओ पृथ्वी लोक में, तुम दो वृक्ष बन जाओ, और तुम्हारी चेतना यही बनी रहेगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चेतना है कि हम क्या थे और हम क्या बने हुए, उसमें बहुत टॉर्चर है। अपनी गलती समझ आई, उन्होंने क्षमा याचना की, तो नारद ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा उद्धार जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे वो करें। तो वो दोनों वृक्ष बनकर वृंदावन में आ गए और नंद महाराज के कोर्ट में खड़े रहे, अनेकों वर्षों तक खड़े रहे। और जब भगवान श्री कृष्ण आए
उनका उद्धार किया। तो मतलब है वो दूसरा लोक भी है जहाँ सेवा है, और पृथ्वी लोक भी है जहाँ वो आए, एक योनि भी है जिसमें वो थे देवताओं की योनि, और अब वृक्ष की योनि में आए। इस घटना से, इस लीला से पता लगता है कि सब कुछ है, अलग अलग तरह के लोक है, अलग तरह की योनियां है। और एक और सिद्धांत इससे पता लगता है कि जो साधु जो है वो हमारे सच्चे हितैषी हैं, हालांकि उन्होंने शाप दिया, लेकिन उस शाप के द्वारा उनका उद्धार, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए जो करोड़ों करोड़ों जन्मों की भक्ति से भी प्राप्त नहीं होते, तपस्या से नहीं होते। इसलिए हमें इन बातों पर विश्वास करते हुए ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम ना तो ऊपर के लोकों में जाने का प्रयत्न करें, ना इस मध्य के लोक में रहें, ना नीचे पताल लोक में जाने का ऐसे काम करें, वहां जाए भगवान के धाम हम जाए। भगवान का धाम कैसा है? न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न भावका यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बाकी हमने बताया आप ब्रह्म भूमनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम वेत्य तु कौन ते पुनर्जन्म विद्यते। ब्रह्म लोक से नीचे लोक तक सबके सब टेम्परेरी है, वहां आना जाना लगा रहता है, लेकिन माम वेत्य तु कौन ते पुनर्जन्म विद्यते। लेकिन जो व्यक्ति मेरे धाम को पहुंच जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। और वो धाम कैसा है भगवान बताते हैं, न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न भावका। वहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, स्वयं प्रज्वलित प्रज्वलित है वो, स्वयं दीप्यमान है वो, भगवान के विग्रह से ज्योति निकलती है। न पावका न वहां बिजली की जरूरत है। यत गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। जहां जाकर लौट कर व्यक्ति नहीं आता वो धाम मेरा परम धाम वो है। रूपा जी भी लिखते हैं कि हम वहां भी जा सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वहीं जाने का प्रयत्न करता है। खटवांग ऋषि थे, खटवांग महाराज थे, महात्मा थे, वो राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। एक बार देवताओं का असुरों से युद्ध हुआ, देवता हार रहे थे। उन्होंने खटवांग महाराज से प्रार्थना की कि आप कृपा करके आइए, हमारी सहायता कीजिए। खटवांग महाराज वह गए, उन्होंने देवताओं की सहायता की, असुरों को हरा दिया। कृतज्ञता के रूप में देवताओं ने कहा कि आप यहीं रहिए, हम आपके लिए सुंदर महल बना देते, हर प्रकार की सुविधा उसमें। खटवांग महाराज ने पूछा कि मेरे जीवन की अवधि कितनी है? उन्होंने कहा आपके जीवन की अवधि 2 घड़ी है, अबाउट 48 मिनट्स। तो उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि मुझे स्वर्ग में रहकर वो समय वेस्ट नहीं करना है, तुरंत मुझे भूलोक में पहुंचा दो, क्योंकि स्वर्ग भोग लोक है, वहां नए कर्म नहीं किए जा सकते। मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ और वहां जाके मैं भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो खटवांग ऋषि भूमि पर आ गए, भगवान की शुद्ध भक्ति की, और उस थोड़े से समय में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो एम हमारे जीवन का हम कई बार डिस्कस करते हैं, भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति के द्वारा वहां जाया जा सकता है। और भगवान एक सरल उपाय भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जन। कि अर्जुन जो व्यक्ति जान लेता है कि मेरा जन्म, मेरी जो लीलाएं हैं वो दिव्य है, भगवान 84 लाख योनियों में से एक नहीं है, वो अलग है, दिव्य है, उनका जन्म भी दिव्य है, उनकी लीलाएं भी दिव्य है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे जैसे नहीं है, दिखते हैं वो हमारे जैसे लेकिन वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो इस बात को तत्व से समझ लेता है, सही बार से समझ लेता है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है, हम उनके अंश हैं, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, और इस स्थिति में जो स्थित हो जाता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मेति मामेति सर्जन, वो व्यक्ति इस शरीर को छोड़कर फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता।
तो हमें इस कोर्स से ये समझना चाहिए कि अनेकों योनिया हैं, अनेकों प्लैनेट्स हैं, तरह तरह के वहां सुख और दुख हैं, हमें उनमें से किसी में नहीं जाना, हमें केवल भगवान के धाम जाना है। और भगवान के धाम इस मनुष्य शरीर से ही भक्ति करके जाया जा सकता है। और प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलें उस जीवन के लक्ष्य को सामने रखते हुए कि भगवान के धाम जाना है, गोलोक जाना है, जहाँ बिजली, चंद्रमा, सूर्य, किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है, शाश्वत जीवन है, ज्ञान में जीवन है, आनंद में जीवन है। उसके लिए हम जो भक्ति का मार्ग, सरल मार्ग हमें बताया गया है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, ग्रंथों का अध्ययन, जहां रहते हैं करें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उस प्रिंसिपल को अपनाते हुए अब निश्चित रूप से पूरे ज्ञान के साथ कि हमें किसी योनि में नहीं जाना, किसी और अन्य लोक में नहीं जाना, भगवान के धाम ही जाना है, तो यदि हम भक्ति करेंगे निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़े अच्छे से बताया कि इस अमूल्य मनुष्य शरीर का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान के धाम जाना, और इसका रास्ता भी भगवान की भक्ति करके हम इसी जीवन में ही जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।